गुड डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस. आई एम योर मैथ्स क्लास टीचर. माई नेम इज़ मयूरी. अप टू नाउ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज 3.1 एंड वी आर सक्सेसफुली गोइंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 3.2. यस, दिस बिफोर वी हैव टू गो थ्रू द टू मेन पॉइंट्स दैट आर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. वॉट आर दिस प्राइम एंड प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स? जस्ट वी विल गो थ्रू दिस टू पॉइंट्स एंड देन वी कंटिन्यू दी एक्सरसाइज 3.2. ओके डियर, सी हियर. What is prime number and what is composite number? That's only we are ask. Here is the topic, today's topic. See, क्या बता रहे हैं यहाँ? Prime number बोले तो क्या है, composite number बोले तो क्या है? We are now familiar with the factors of a number. Observe the number of factors of a few numbers arranged in this table. अब देखो, numbers दिए और वो उसके factors arrange करे यहाँ table में. अगर table देखा जाए तो see. नंबर्स वन फैक्टर्स आर वन. वन कौन से टेबल में आता है? वन टेबल में वन वन ज़ा वन, यानी उसका वन इंटू वन किया जाए तो भी वन आ रहा है ना. तो यहाँ नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं? वन. ए सिंगल नंबर इज ओनली द फैक्टर. टू में देखो, टू टेबल में टू वन ज़ा टू, हियर टू इज़ ऑल्सो कमिंग एंड वन इज़ ऑल्सो कमिंग. हियर वन एंड टू आर द टू फैक्टर्स, राइट? सी है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, हियर टू थ्री. सी है थ्री, वन टेबल में थ्री आता है, वन थ्री ज़ा थ्री एंड थ्री वन ज़ा थ्री. There are only two numbers where three has been repeated, and that is in one table and another one is in three table, right? Three ones are three. So factors are two. In four, see here, one, two, four. सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, उसके फैक्टर्स फाइंड करते जा रहे हैं, और अगर कितने फैक्टर्स हैं वो राइट साइड लिखते जा रहे हैं, राइट? फाइव टेबल में देखो, वन फाइव, टू टेबल में ही आता है, जैसे कि फाइव वन ऑफ. यहाँ देखा, अगर ऑब्जर्व करते जाओ, सिक्स टेबल में देखो, वन टू थ्री सिक्स. आफ्टर ऑल यू हैव टू सी ऑल दिस एंड ऑब्जर्व इट. अगर यहाँ देखा जाए तो क्या देख रहे हैं आप? देखो, यहाँ मुझे दिख रहा है कि टू टेबल में, थ्री टेबल में, सेवन टेबल में, और यहाँ अलेवन टेबल में देखा जाए तो वो एक वन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं तो द नंबर इट सेल्फ बोले तो वही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, दिखाई दे रहा है आपको? देखो यहाँ, द नंबर अदर देन वन हुज फैक्टर्स ओनली आर वन एंड द नंबर इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. तो इसे कैसे बताया? देखो इधर, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, सी है, डोंट बी कन्फ्यूज इन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, यानी नंबर्स में टू फैक्टर्स से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. और ये टू फैक्टर्स से ज़्यादा, यानी एक तो वन टेबल और एक तो सेम इट सेल्फ, ये दो नंबर्स से अगर ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स आपको मिल जाए तो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं. हम अभी एक क्या बोलते हैं उसे, इस पॉइंट में उसे क्लैरिफाई कर देंगे. कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखो, अभी इसमें, इस टेबल में क्लैरिफाई कर सकते हैं हम कि कौन से कंपोजिट नंबर है कौन से. मैं बताती हूँ कि आप प्राइम नंबर्स को टिक करो. तो प्राइम नंबर्स क्या है, हमको एक डेफिनेशन तो पता है कि द नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, दो ही तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा. देखो यहाँ टू फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स टू, कौन से यहाँ, वन टू थ्री फोर फाइव. तो ये जो है ये पूरे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए. और इसमें कैसा पता चलेगा कि ये प्राइम फैक्टर्स है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स टू है, उसके बाद वो टू फैक्टर्स क्या है, एक तो वन होना चाहिए, एक तो वो नंबर होना चाहिए, जैसे कि टू वन टू, यहाँ देखो वन इलेवन. तो इसका मतलब जो भी हमने टिक किया वो पूरे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए. तो फिर कंपोजिट नंबर्स क्या है? दो से ज़्यादा जो भी हो कंपोजिट नंबर्स है. क्या है देखो, दो से ज़्यादा, यहाँ देखो फोर, वन टू फोर, यहाँ फैक्टर्स कितने, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तीन हुए, तो ये कंपोजिट नंबर है. मैं कंपोजिट नंबर यहाँ टिक करती हूँ, कंपोजिट नंबर है. उसके बाद सिक्स कंपोजिट नंबर है, उसके बाद एट कंपोजिट नंबर है. आफ्टर दैट देखो, मोर देन टू कंपोजिट नंबर, यहाँ ट्वेल्व कंपोजिट नंबर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू द फॉर्मेट. अगर इसका एक्सरसाइज करो तो आपको और परफेक्टली समझ आएगा. अंडरस्टूड? अब इवन एंड ऑड नंबर्स, व्हाट इज दिस इवन और एंड ऑड नंबर? सी हियर, आप सबको तो पता है इवन नंबर, ऑड नंबर बचपन से तो पढ़ते आए हैं. व्हाट इज इवन नंबर मींस? सी हियर, डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन द नंबर्स? देखो इसमें क्या पैटर्न है, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन,
जस्ट लाइक ए मल्टीपल ऑफ टू, राइट, टू का टेबल. यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ टू, सो इट इज़ अ इवन नंबर. सो द मल्टीपल ऑफ टू को क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं. और नंबर क्या है? द रेस्ट ऑफ द नंबर विच आर नॉट इवन, जो रेस्ट नंबर से इवन जो नहीं है, जो मल्टीपल ऑफ टू नहीं है, वो सब क्या हुआ? ऑड नंबर्स हो गए. देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. सिंपली वर्ड्स, डोंट बी कन्फ्यूज इन इट. आफ्टर दैट यू कैन वेरीफाई दैट द टू डिजिट नंबर और ए थ्री डिजिट नंबर इज इवन और नॉट. हाउ विल यू नो वेदर नंबर, लाइक अगर ये तो सही है कि ये टू डिजिट नंबर हो, थ्री डिजिट नंबर, आप बोल सकते कि ये इवन है कि ऑड है. और वो सबसे बड़ा नंबर हो, यानी फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑफ इन मिलियंस एंड ट्रिलियंस, देन हाउ कैन यू फाइंड दैट इट इज़ ए इवन और ऑड? जब हमें क्या करना है, देखो, बाई डिवाइडिंग इट बाई टू विल नॉट बी ए टेडियस. हम टू से डिवाइड करो तो वो इवन नंबर है बोल सकते, बोले तो हाँ चलो कितना, अगर वो सबसे बड़ा नंबर हो तो उसे डिवाइड करते जाएंगे तो इट विल बी, स्मार्ट वर्क करना है ना हमें, तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं इवन नंबर के लिए, हम क्या करेंगे यहाँ, सिंपल ट्रिक है. यहाँ देखो सब लोग, वॉट इज़ अ सिंपल ट्रिक? वी से दैट अ नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट वंस प्लेस इज एन इवन नंबर. यहाँ देखा है ना, पॉइंट क्या बता रही है इस पॉइंट पे, ये बता रहे हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे यानी यहाँ प्लेस पे अगर हो, वंस प्लेस में हो तो उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं. भाई वंस प्लेस पे कैसे दे, वंस प्लेस यानी यहाँ, वंस टेंस हंड्रेड्स बोलते जाएंगे ना, तो यहाँ ये वंस प्लेस पे हमें कौन सा नंबर होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वंस प्लेस पे तो वो इवन नंबर है. याद रखो कि क्या पॉइंट है, 0, 2, 4, 6, 8 अगर वंस प्लेस पे हो तो वो इवन नंबर है. उसके बाद क्या है, देखो, वी से देयर द नंबर विथ 0, 2, 4, 6, 8 इन वन प्लेस इज इवन नंबर आर इवन. देखो एग्जाम्पल्स भी बताए कि कौन से इवन है, कौन से ऑड है. जहाँ वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, यहाँ वंस प्लेस पे उसके बजाय दूसरे नंबर से, तो वो ऑड हो गए, राइट. तो इसे कैसे बताएंगे, देखो यहाँ और एक वर्ड बताया, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, क्या बता रहे, टू एक ऐसा नंबर है वो जो स्मॉलेस्ट प्राइम है और इवन है. टू इज द स्मॉलेस्ट, छोटा है प्राइम नंबर में, छोटा नंबर कौन सा है, टू है. और we are going towards exercise 3.2, that is first question, what is the sum of any two. kya bata rahe hain yahan, sum of do two odd numbers, a bit, first ka a bit dekho, sum of two odd numbers bata kya hai ye aapko puch rahe hai, right. to aapko to pata hai, sabse pehle odd numbers ka sum, ek example lenge to aapko samajh aa jayega. sum of two odd numbers na, what are the odd numbers here, 1, 3, right, 5, uske baad 7, ऐसे सो ऑन. आपको भी स्पेल करते जाओ तो समझ आएगा. फिर उसके बाद क्या करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स कह रहे हैं, 1 + 3 हाउ मच, 4. चलो 5 + 3 देखेंगे, 5 + 3 8. यहाँ देखेंगे तो ये पूरे 4, 8 जो है ये सब क्या है, इवन नंबर्स आ गए, राइट, इवन नंबर्स. तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स. तो क्या लिखोगे, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन, राइट. अब ऐसे ही एग्जाम्पल देखना, इवन नंबर्स का इज इवन और बी बिट आपको करना है, राइट. उसके बाद ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू डू इट एट होम. उसके बाद थर्ड बिट देखो क्या है, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स. क्या बता रहे हैं, नंबर्स 13 and 31 ये दो क्या है, प्राइम नंबर्स है. प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन तो आपको पता है, आपने पढ़ा है. व्हाट इज दिस प्राइम नंबर्स, द नंबर 1 and द नंबर इटसेल्फ. अगर दोनों सेटिस्फाई हुए एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 रहे तो उसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स है, राइट. तो यह क्या बता रहे, 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स. बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. क्या बता रही है, यहाँ देखो 13, 1, 3 वंस टेंस और यहाँ टेंस वंस रिप्लेस किया तो भी ये दोनों प्राइम नंबर्स है. तो ऐसे ही प्राइम नंबर्स हमको बताओ जो 1 से 100 के बीच में रहे. कौन से प्राइम नंबर से कैसे फाइंड करेंगे, एनी आइडिया अबाउट इट? अब देखो 13, 31 हो गया, 13 के बाद नंबर 14, 15, 16 ये सब तो कंपोजिट नंबर्स है. 17 देखो, 17 एक नंबर है, ये प्राइम नंबर है. एंड इसका रिवर्स कर दो तो 71, ये भी तो एक प्राइम नंबर है, राइट. जैसे कि वो लोग कह रहे थे फाइंड करो 100 तक, अब 100 तक हो गया, 71 आ गया, फिर उसके बाद 17, एनी आइडिया? 37 देखो, 37 एंड उसका रिवर्स 73 प्राइम नंबर, राइट.
अब देखो इसमें 37 इज ऑल्सो प्राइम एंड 73 इज ऑल्सो प्राइम बिकॉज देर आर ओनली टू नंबर्स वन एंड द नंबर इट्स सेल्फ. अंडरस्टूड? एनी आइडिया? और कुछ है तो आपको फाइंड करना है वैसे. लेकिन क्या कितने फाइंड करने को कहा, कुछ कहा है क्या? 1 to 100 के बीच में फाइंड करना है. तो हमने फाइंड किए पेयर्स, राइट? व्हाट आर द पेयर्स? 1, 2 and 3. 3 पेयर्स वी हैड फाइंड. इट इज नॉट ए प्राइम नंबर. फोर्थ बिट देखो अभी. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20. हमको सेपरेटली प्राइम और कम्पोजिट नंबर्स लिखना है लेस देन 20, 20 से नीचे वाले. कैसे लिखो? प्राइम नंबर लेस देन 20. प्राइम नंबर्स लेस देन 20. क्या है लेस देन 20 प्राइम नंबर्स? 1 से स्टार्ट कर, 1 तो नहीं होगा. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने पढ़ा है. 2 के बाद 3, 5, 7, 11, जो भी ओनली 2 नंबर्स हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके कितने हो? 2 हो, वो ही प्राइम नंबर्स है. तो कंपोजिट नंबर्स क्या है? रिमेनिंग नंबर्स, राइट? मोर देन 2 आर द फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर्स देखो क्या क्या है. पहले वाला 2 के बाद अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो प्राइम नहीं है वही तो कंपोजिट है. 2, 3 उसके बाद 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. और यहाँ लेस देन 20 कहा तो 20 लिखना है या नहीं? नहीं, 20 से लेस कहा इसलिए 18 तक ही हो जाएगा. उसके बाद 15. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10? हाँ, अब तक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपको पता है कि 2 है, लेकिन 1 and 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है? अब देखो यहाँ प्राइम नंबर हमने तो लिखे 1 to 20 के बीच में लिखे ना. 1 and 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है? यहाँ 7. 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 and 10. समझ आए? यहाँ 1 and 10 के बीच का ग्रेटेस्ट ही देखना है, राइट? तो अब ये तो सी हियर इन 6th क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स. जो भी क्वेश्चन है उसको फिर से पढ़ो कि सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स. एक वैल्यू प्रोडक्ट सम दिया है, ये सम जो है 2 ऑड प्राइम्स से सम करना है. तो 2 ऑड प्राइम्स यानी क्या होगा? 2 ऑड प्राइम्स जिससे सम 44 आए. जैसे कि देखो अभी ऑड प्राइम्स कह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आई विल से 31, जो हमने लिया था उसका पेयर 13 है. दोनों तो ऑड प्राइम से बोलकर वही हमने पेयर्स बनाए थे. देखो 3 + 1 = 4, हाँ हो गया है. देखो ये एक पेयर बन गया. वैसे हमें बाकी सब करने, जैसे कि बी 36, हाउ कैन यू फाइंड इट? 23 + 3 - 6 - 3 = 3. अच्छा 30 हो गया. टोटल क्या है? 36. ऑड प्राइम का सम तो आया ना. नंबर्स क्या है? 23 and 13. ऐसे आपको बाकी सब करने हैं. ओके, सेवेंथ बिट. गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बताने हैं जिसका डिफरेंस 2 आएगा. सम प्राइम नंबर्स, टेल मी सम प्राइम नंबर्स. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 हो गए. अब इसमें क्या बता रहे हैं? कितने पेयर्स चाहिए आपको? 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स चाहिए. जैसे कि 5 - 3 = 2 आ गया, राइट? 7 - 5 = 2 आ गया. पेयर्स बताया, 2 पेयर्स हो गया. और कितने पेयर्स चाहिए? 3 पेयर्स. थर्ड पेयर देखो 7, 8, 9, 10, 11, वो तो बहुत हो गया. फिर उसके बाद 11 के बाद 13. अब देखो 13 - 11 = 2 हो गया. 3 पेयर्स, 1 is 5, 3 = 7, 5 = 13, 11. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट सेवन्थ हो गया. 8th बिट देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इसमें प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स का क्या डेफिनेशन है आपको तो पता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 and itself. अब यहाँ 23, ये नंबर 1 से डिवाइड होना चाहिए और itself 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए. अगर उससे ज्यादा हो तो प्राइम नंबर नहीं है. फर्स्ट ले रही हूँ ये 23 फैक्टर्स ऑफ 1, 23. नेक्स्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स 23, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, देयरफॉर इट इज ए प्राइम नंबर. फाइंड कर दिया. ऐसे ही बाकी सब करना है आपको. 9th बिट. राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम. 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100.
क्या बता रहे हैं, सेवन कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, कॉन्जिक्यूटिव, डोंट बी कंफ्यूज, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, बोले तो कंटिन्यूशन, उसे क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। कंपोजिट नंबर यानी जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, रिमेनिंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन टू हो, दैट इज द मेन डेफिनेशन, राइट। कितने चाहिए, लेस देन 100 चाहिए, राइट। सो देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, तो उसके बीच में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर बताना है। तो कैसे बताओगे, क्या करोगे इसमें, देखो अभी एनी आइडिया। कंपोजिट प्राइम कहा है ना, तो हम लेंगे 12, लेकिन 13 आ जाएगा ना बीच में, तो नहीं होगा। वैसे अगर आप फाइंड करते जाओगे तो आपको मिलेगा 84, 85, 86, 87 भी डिवाइड होगा, कैसे, 3 टेबल में 3 2 6, 3 9 27, कंपोजिट नंबर ये है, प्राइम नंबर नहीं है। 87, 88, 89, 90 हो गए कंपोजिट प्राइम नंबर 7। हाँ, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। इसमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, 3 ऑड प्राइम्स के सम, जैसे कि हमने यहाँ 2 ऑड प्राइम्स किए थे ना, हम यहाँ 3 ऑड प्राइम्स करना है। देखो अभी कैसे करोगे, 10th में ए बिट 21, क्या यहाँ 21 3 ऑड प्राइम्स, कैसे फाइंड करोगे 3 ऑड प्राइम्स 21 में, एनी आइडिया। पहले प्राइम नंबर्स, यहाँ देखो प्राइम नंबर्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, 3 प्लस 7, 8, 9, 10 तो हो गए, रिमेनिंग कितने बचे, यहाँ 10 निकाल दिया तो 11, बोले तो हो गए, पूरा टोटल 21 हुआ। वैसे ही करना है बी 31, इसका क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट करो, 3 प्लस 21 होता है ना, तो 21 तो नहीं होगा, तो 3 प्लस 17 देखा जाए तो प्राइम ही है, 17, 18, 19, 20 हो गया, और 11, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3 हो गया, देखो 3 प्लस 17 प्लस 11, राइट, समझ आया। उसके बाद 11th बिट, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ एक नया आया, देखो 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है, प्राइम नंबर्स लिखना है लेकिन वो लेस देन 20 होना चाहिए, और सम जिसका सम डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें, उस फॉर्मेट में देखो कैसे लिखेंगे, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे सबसे पहले, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो पहले प्राइम नंबर लिख दो, इजी हो जाएगा आपको, 2, 3, 7, 7, 11, 13, 17, so on। तो ये प्राइम नंबर में पेयर्स बनाना है कि उसका लेस देन 20 होना चाहिए टोटल, राइट। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, लेस देन 20 तो निकाल दिए तो उसका डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए सम। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों का देखो, 3, 7, 3 प्लस 7 हो गया 10, राइट, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, 5 से डिविजिबल यानी लास्ट में 0 और 5 रहना चाहिए ना, तो यहाँ क्या है, 0 है, 5 1 5, 5 2 10, 2 हो गया। वैसे फिर दूसरा 2, 3, इसमें क्या करोगे, 2 प्लस 3, हमें प्रूव तो करना है ना, 3, 4, 5, 5 1 5 तो है पता है डिविजिबल होगा, उसके बाद कितने 5 पेयर्स फाइंड करने है ना, नेक्स्ट वन 2, 13, 13 प्लस 2, हाउ मच, 3, 4, 5, 1, 15,